करीब एक दशक से सियासत का शिकार हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन दिलाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला और देहरा में जब दोनों स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास अपनी भूमि होगी, उसके बाद नींव पत्थर रख दिया जाएगा। गौरतलब रहे कि 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा की क्लासें अस्थायी कैंपस शाहपुर और धर्मशाला में चल रही थी, लेकिन पिछले कल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नींव पत्थर के लिए प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप अग्निहोत्री के बीच हुई मुलाकात के बाद 2-3 महीनों के बीच धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव पत्थर रखने की आस पक्की होती नजर आ रही है। राज्य सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन धर्मशाला व देहरा की सियासी खटास को मिटाने के लिए अब दोनों स्थानों पर एक साथ नींव पत्थर रखने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में मीडिया को ज्यादा जानकारी देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 कैंपस होंगे, एक धर्मशाला तो दूसरा कैंपस देहरा में होगा, तो दोनों जगह भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस चला हुआ है। उन्होंने कहा कि देहरा में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस के लिए 300 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिल चुकी है और जिसमें 80 एकड़ भूमि उनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है और बाकी 220 एकड़ भूमि उनके नाम ट्रांसफर होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित लगभग 750 एकड़ भूमि ट्रांसफर संबंधी तैयार करना शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कल उनकी प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से इस बारे में बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 2-3 महीनों में प्रस्तावित दोनों कैंपसों की नींव पत्थर रखने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए, जिसके लिए शीघ्र ही एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का नींव पत्थर जल्द से जल्द रखा जाए। पहले से ही ये डिसाइड हो चुका है, केंद्र सरकार ने ये निर्णय किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 कैंपस होंगे, धर्मशाला में और दूसरा देहरा में। तो दोनों जगह भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस चला हुआ था। देहरा में तो 300 एकड़ जमीन जो है और वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिल चुकी है, उसमें 80 एकड़ तो हमारे नाम ट्रांसफर हो चुकी है और 220 भी लगभग ट्रांसफर होने के कगार पर, जिसको कहा जा सकता है, उस पर है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 750-850 के लगभग जमीन जो है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को ऑफर की है। उसका पहला स्टेप जो है वो खत्म हो चुका है। MHRD मिनिस्ट्री की टीम आई थी और उन्होंने उस भूमि को सही करार दिया है कि ये दी जा सकती है। दूसरा प्रोसेस होता है कि उस पर साइट प्लान तैयार करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, और साइट प्लान जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने तैयार कर ली है। यूनिवर्सिटी ने अपनी रिक्वायरमेंट उनको दे दी थी, साइट प्लान तैयार हो चुकी है। लेकिन साइट प्लान तैयार करते वक्त ये भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट लगानी पड़ती, जिसको जियोलॉजिकल टेक्निकल रिपोर्ट कहा जाता है, और मेरी सूचना है कि इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब साइट प्लान और जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को कोऑर्डिनेट करके हिमाचल प्रदेश सरकार उसको केंद्र सरकार के पास, ये जो मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय और जंगलात मंत्रालय है, इसके पास भेजेगी। फिर वहां से टीम आएगी और वो इसको चेक करके तब एनओसी दी जाएगी। मुझे लगता है कि सारा प्रोसेस जो है 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद हम दोनों कैंपस का, धर्मशाला विश्वविद्यालय का और इसका जो दूसरा कैंपस देहरा में है, एक साथ शिलान्यास करवाएंगे। सर, कल शिक्षा मंत्री भी आए थे, आपके साथ मुलाकात हुई है, तो उसके ऊपर क्या? नहीं, मैंने उनसे यही निवेदन किया कि प्रोसेस को थोड़ा एक्सेलरेट किया जाए, इसको तेज किया जाए, तो वो खुद ही वाज रादर मोर इंटरेस्टेड देन मी, वो मुझसे भी ज्यादा इस काम में लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि जल्दी इसका सारा हम साइट प्लान भेजेंगे केंद्र सरकार को और वहां से टीम आएगी। तो सरकार इस दृष्टि में जितना संभव है उतना कर ही रही है और मुझे विश्वास है कि 2-2.5 महीने में शिलान्यास की स्थिति पहुंच जाएगी। और हमारे पास केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया हुआ है, जैसे ही हमारा एनओसी मिलता है और शिलान्यास होता है तो हम तुरंत दोनों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।